Let's do question number 6 of exercise 13.2, that is surface area and volume. Question number 6 is curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर. तो अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं. ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर आ गया. अब आगे क्या कह रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. इसका ये जो राउंड पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर. आगे क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, अगर हमें बेस का रेडियस दे रखा है, इस सिलेंडर के बेस का रेडियस है 0.7 मीटर. ये देखिए, ये है हमारा 0.7 मीटर, राइट. फाइंड इट्स हाइट, हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है. तो हमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. तो देखिए, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर, राइट. और हमें रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है, दैट इज 0.7 मीटर. और हमें हाइट निकालनी है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो इसी का ही फॉर्मूला लगा लेंगे. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ऑफ सिलेंडर. हमने हाइट को देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ, h मान लिया है, राइट. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh. अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 4.42 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है. r हमारा कितना दे रखा है, 0.7 और h हाइट है ही, राइट. अब ये देखिए, ये पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लग गया, राइट. ये पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लग गया. अब h तो अपनी जगह रहने देते हैं और ये सब इधर ले जाते हैं. तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो हम इसको ये लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू दिस फिगर इक्वल्स टू h लिखें या h इक्वल्स टू दिस फिगर लिखें, बात एक ही है. तो 44/10 इंटू देखिए 7 into 10 न्यूमरेटर में चला गया और 2 into 22 इंटू 7 डिनोमिनेटर में आ गया. तो अगर आप देखेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 22 से 22 कुछ नहीं बचा. तो दैट मीन्स 1 बचा. क्योंकि यूनिट मीटर में थी तो इसलिए मीटर. तो हमारी हम क्या लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं. तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई हमारी, दैट इज 1 मीटर इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 इज, इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस में डाल चुकी हूँ. प्लीज सब जो चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वो आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाके देख सकते हैं सारे चैप्टर्स. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. एक सर्कुलर वेल है, कुआं है. कुआं हमें पता है किस शेप में होता है, नीचे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो हम एक वेल बना लेते हैं. देखिए ये वेल है हमारा. अब आप क्या कह रहा है, द इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. ये वेल का अंदर का पार्ट है और इसका डायमीटर दे रखा है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर दे रखा है कितना, दैट इज 3.5 मीटर, राइट. अब आगे क्या कह रहा है, इट इज 10 मीटर डीप. और ये कितना डीप है, 10 मीटर. ये देखिए, ये जो है हमारा, ये 10 मीटर डीप है, राइट. अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. हमें इसके अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. देखिए, हमें ये अंदर के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, राइट. और सेकंड पार्ट में तो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर. अगर इसको अंदर से प्लास्टर करने की कॉस्ट 40 पर मीटर स्क्वायर है तो हमें कॉस्ट निकालनी है. और फर्स्ट पार्ट में हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, इसे आप देख के, इनर और आउटर को देख के हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि हमें आउटर से रिलेटेड कुछ नहीं करना है. सिर्फ सिर्फ इनर से करना है और इनर का ही हमें डायमीटर और इनर की ही हाइट दे रखी है, तो हम नॉर्मली सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ इनर, क्योंकि इनर की बात हो रही है सिर्फ इसलिए इनर लिख रही हूँ, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा। सर्कुलर वेल क्या है, दैट इज 3.5 मीटर है, राइट? और हमारा रेडियस कितना हो जाएगा फिर, रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर वेल डायमीटर का आधा होता है, दैट इज 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। एज इट इज छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। हाइट दे रखी है हमें, हाइट ऑफ वेल दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है कुएं की, दैट इज 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अंदर प्लास्टर करना है, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया स्पेसिफाई कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिर्फ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। तो जो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 पाई RH, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है इसलिए सिलेंडर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, आर हमें पता है 3.5/2 आया है और हाइट हमें पता है 10 दे रखी है। ये पॉइंट हटाया, एक 10 नीचे आ गया, दैट्स इट। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 5 35, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 22 into 5, दैट इज 5 2s 10 एंड 11 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस की यूनिट मीटर में स्क्वायर में होती है तो इसलिए मीटर स्क्वायर, राइट? अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हमें कॉस्ट निकालनी है प्लास्टर करने की अंदर, तो अंदर के कर्व्ड सरफेस में ही हमें प्लास्टर करना है, तो हमें एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वेल दे रखी है हमें, दैट इज ₹40 दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितने मीटर स्क्वायर की, 110, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया था उतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो एक की दी हुई होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 20 एज इट इज और 11 4s 44 रुपीज में ही है कॉस्ट। तो हमारी प्लास्टर करने की, इस वेल को अंदर से प्लास्टर करने की कॉस्ट आ गई हमारी 4400 रुपीज इज द आंसर।